नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। तो देखिए, आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से वीडियोस नहीं बना पा रहा था, मूवीज़ की अपडेट नहीं दे पा रहा था। वो इसलिए क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं, मुझे भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी थी सर्वाइवल के लिए एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं मूवी से रिलेटेड कोई भी अपडेट पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में नहीं दे पाया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का टॉपिक। देखिए, आज की इस वीडियो का टॉपिक शायद आप सबको ही पसंद आए, क्योंकि देखिए अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड फिल्म पुष्पा का एक काफी अच्छा अपडेट निकल कर आया है कि जो मूवी है उसमें जो विलन का रोल दिया गया है तो वो दिया गया है मलयालम सिनेमा के काफी अच्छे एक्टर फवाद फजल को। तो देखिए, बात यह है कि फवाद फजल को जब थोड़ा बहुत नरेट किया गया कि आखिर वो किस तरीके का एंटागोनिस्ट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि देखिए एक स्मगलिंग के ऊपर पुष्पा मूवी बेस्ड है, तो देखिए उसके थ्रू एक अच्छा कैरेक्टर उन्हें चाहिए था। सुकुमार सर को, जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने जब नरेट किया इस बात को फवाद फजल के सामने, तो फवाद फजल ने सिर्फ 10 मिनट में ही इस चीज को हाँ कह दिया कि हाँ वो अब विलेन का रोल पुष्पा मूवी में करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी अपडेट शायद यही है, अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा मूवी के टीम की तरफ से कि पुष्पा मूवी में विलेन का रोल फवाद फजल को मिलेगा। अब देखिए, अगर फवाद फजल वर्सेस अल्लू अर्जुन हुआ तो ये तो भाई वैसे हो ही रहा है, तो इतना तो मान के चलिए कि एक बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। सारे के सारे रिकॉर्ड्स इस बार टूटने वाले हैं, ये तो मैं आपको कह ही सकता हूँ, क्योंकि फवाद फजल की मैंने बहुत सारी फिल्म्स देखी उनकी मलयालम सिनेमा में, तो उनका इतना डंका बजता है। और वो क्यों बजता है वो जानने के लिए मैंने उनकी 2-4 मूवी देखी, जैसे फ्लाइट मूवी मैंने उनकी देखी थी जो एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। उनका रोल यार, उनके एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा अच्छे होता है जिसके थ्रू लोग उन्हें पसंद करते हैं। वो ओवर एक्टिंग नहीं करते, जैसे बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं, लेकिन फवाद फजल के चेहरे पर आपको एक हल्का सा भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर एक्टिंग का तड़का बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा, जिसकी वजह से मलयालम सिनेमा और तेलुगु सिनेमा में भी उनका बहुत ही ज्यादा डंका बजता है। लोग उन्हें जानते हैं, उनकी मूवीज देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। सबसे अच्छी बात उनकी यही है, एक फिल्म आई थी 2017 में जिसका नाम था वल्लाईकरण, उसमें भी इन्होंने एंटागोनिस्ट रोल प्ले किया था, और उनका रोल देखने के बाद वो पहली फिल्म थी जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था अपनी आंखों से कि हाँ ये आदमी भी कोई है मूवीज के एटमॉस्फियर में, तो तब मैं समझ गया था कि ये बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। और हाँ, आज देखिए पुष्पा जैसी पैन इंडिया फिल्म में उन्हें एक विलन का रोल मिला, देखते हैं कि क्या होता है। एक्टिंग अच्छी है, अल्लू अर्जुन के साथ लग रहा है कंधे से कंधा मिलाने वाला एक तगड़ा विलन आ चुका है, देखते हैं क्या होता है आगे। कोई भी अपडेट जब आएगी अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा से रिलेटेड, तब मैं आप लोगों तक उस अपडेट को जरूर पहुंचाऊंगा। बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिएगा।